हर साल पूरे वर्ल्ड में राइस की लगभग 40,000 किस्मों की कटाई की जाती है और इंडिया राइस प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पर आता है। इंडिया का प्रोड्यूस्ड राइस एनर्जी का मेन सोर्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। यही रीजन है कि राइस की डिमांड रेगुलर बढ़ती जा रही है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताएगा कि कैसे ये चावल खेतों से निकलकर मिल में प्रोसेस करके आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। और अगर आप भी राइस मिल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। राइस मिल प्रोसेसिंग बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। राइस के कई प्रकार हैं, जैसे ब्राउन राइस, बासमती राइस, जैस्मिन राइस, मोगरा राइस, बैम्बू राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, व्हाइट राइस आदि, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड व्हाइट राइस की है। आइए अब जानते हैं राइस मिल के प्रोसेस के बारे में। राइस मिल का जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो है पैडी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने अभी पैडी को मार्केट से प्रोक्योर किया है और उसको हम स्टैक कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ, आइए। हमारा जो अगला प्रोसेस रहता है उसका नाम है पारबॉइलिंग और ड्राइंग। इस प्रोसेस में हम लोग जो धान है उसको सेला बनाना हो, स्टीम बनाना हो या कच्चा बनाना हो, वो डिसाइड करके प्रोसेसिंग करते हैं। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं बॉटल्स लगी हैं बड़ी बड़ी, इसके अंदर सेला और स्टीम राइस बनता है। एक बार हम उसको स्टीम कर दें या पार बॉयल कर दें, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है उसको ड्राई करने की, और वो काम होता है इधर ड्रायर्स में। उसमें हम एक पैडी को एक निश्चित मॉइस्चर लिमिट में ला के उसको मिलिंग के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद धान मिलिंग सेक्शन में चले जाता है। ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, इसे बोलते हैं मिलिंग प्रोसेस। इसमें हम धान के ऊपर से छिलके को हटाते हैं। तो इसमें पहली जो मशीन है उसे बोलते हैं हस्कर। वो छिलके को धान के ऊपर से हटाकर चावल देती है और उस चावल को हम फिर पॉलिश करते हैं। आप देख सकते हैं पीछे सबसे कोने में हस्कर मशीन्स है, उसके बाद पॉलिशर्स लगे हुए हैं। पॉलिशर्स क्या करते हैं, चावल के ऊपर से एक पतली परत को हटाते हैं, जिससे कि ब्राउन जो लेयर है वो हटती रहती है और हमें वाइट राइस प्राप्त होता रहता है, जिसको आप और हम अपने घर में यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। जो हमारा चावल हमें मिलिंग प्रोसेस में मिला था, अब हम उसको वैल्यूएडिशन करके उसको सेलेबल क्वालिटी बनाएंगे। फर्स्टली हम उसको क्लीन करेंगे राइस क्लीनर से, फिर उसमें से हम स्टोन्स, जो छोटे छोटे स्टोन्स आ जाते हैं पैडी में, उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डीस्टोनर। डीस्टोनर के बाद हम लोग उसको फिर एक पॉलिश करते हैं दोबारा, जिसको बोलते हैं हम सिल्की पॉलिशिंग। उसमें हम उसकी जो टेक्सचर को और स्मूथ कर देते हैं, देखने में और फील करने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा लगता है। उसके बाद अगला मशीन आती है जो पीछे आप देख सकते हैं अलग से रूम में, उसको बोलते हैं सॉर्टेक्स मशीन। उसके अंदर हम कलर सॉर्टिंग करते हैं, जो कि काला दाना और पीला दाना जो चावल में आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको हम निकाल देते हैं। काला और पीला दाना डैमेज और डिस्कलर ग्रेन जिसे हम कहते हैं, उसको रिमूव करने के बाद चावल एकदम साफ सुथरा हो जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद हम उसके अंदर जो टुकड़ा होता है, ब्रोकन राइस होता है, उसको अलग करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेडिंग। वो ग्रेडर्स मशीन्स होती हैं, वो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके हम सारे ब्रोकन को अलग कर देते हैं। अब हमारा लास्ट प्रोसेस है तैयार किए हुए चावल को पैक करना और उसे डिस्पैच करना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 30 किलो या 50 किलो, जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट हो हम लोग उसे पैक करते हैं। और हमारे प्लांट की जो विशेषता है वो ये है कि ह्यूमन टच फ्री है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ग्रेन्स को कहीं भी ह्यूमन हैंड्स टच नहीं करते। हमारे पास पीछे आप देख सकते हैं टैंक्स हैं, जैसा कि ऑर्डर आता है हम लोग उसमें से उसको पैक करके एज इट इज डिस्पैच कर देते हैं। पैकेजिंग के बाद ये हमारा स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे हम पैक्ड गुड्स को स्टोर करते हैं और कंज्यूमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्पैच करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कंज्यूमर पैकिंग और रिटेल पैकिंग दोनों पड़ी हैं। इसमें 50 किलो, 30 किलो, 25 किलो के बैग्स रहते हैं, जैसा ऑर्डर आता है वहाँ से डिस्पैच करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी मैंने आपको एक एक करके सारी प्रोसेसेस जो राइस मिल में होती हैं सारी समझाई, और ये फाइनल पॉइंट पे आके डिस्पैच के लिए सब तैयार है। राइस मिल में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स के तौर पर आपको सिर्फ पैडी की ही रिक्वायरमेंट होगी। राइस मिल के लिए रिक्वायर्ड मशीन्स हैं ड्रायर, पार बॉइलिंग प्लांट, राइस मिल प्लांट, ग्रेडर एंड सॉर्टर, कंप्रेसर, राइस सिल्की मशीन, पैकेजिंग मशीन और वेइंग मशीन।
इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट के स्तर पर राइस मिल प्लांट सेटअप करने के लिए आपको लगभग 15 से 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप 20 से 25% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। राइस मिल बिजनेस को स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पर शुरू करने के लिए जरूरी जानकारी वीडियो के अंत में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जरिए दी गई है। वीडियो में दिखाए गए लेवल पर राइस मिल बिजनेस में लगभग 8 से 10 एकड़ एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। राइस मिल बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर में 150 से 200 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, अकाउंटेंट, हेल्पर, मैनेजर्स और प्लांट हेड इंक्लूडेड है। राइस मिल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 400 से 500 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। राइस मिल बिजनेस के लिए लाइसेंसेस और सरकारी परमिशन की भी जरूरत होती है, जो कुछ इस प्रकार है: फर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम, FSSAI लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, PF एंड ESIC रजिस्ट्रेशन, NOC फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ राइस और BIS। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने बताया कि राइस मिल प्लांट सेटअप करने के लिए आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी राइस मिल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो IID से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर है 7408733333 और 7607655555। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अपने मन चाहे बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए हमें कमेंट में बताएं।